सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने जनपद में चल रहे मनरेगा के कार्यों की प्रगति की अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव के नाली निर्माण का कार्य बरसात से पहले पूरा किया जाए। इसके अलावा गांव में पशुओं से निकलने वाले गोबर को किस तरह से उपयोग किया जाए इसका सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि गोबर से खाद्य बनाई जा सकती है जिससे कि किसानों को खेती करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए सभी लोगों का सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने गांव में बनने वाले अमृत सरोवर पर चर्चा करते हुए कहा कि आप लोग मनरेगा से मजदूरों को लेकर एक अच्छा तालाब बनाएं और वहां पर सीढ़ी भी बनाएं जिससे कि लोग तालाब पर जा सके। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव में सूखे कचरे के प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाए। कहां सूखते गड्ढे बन रहे हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, ऐसे सूखे कचरे का पूरी कैलकुलेशन कितना किलो निकलता है, कुछ बड़े घर होंगे जिसमें बहुत निकलता होगा, पेट बनता है तो अंधा बात का, तो पेटी का कचरा अब आप प्रधान जी सूखे कचरे का अगर प्रबंधन कर रहे हैं तो पेटी वाला कंपोनेंट नहीं दिमाग में रखा था मुश्किल। आपने नाली पे काम शुरू किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमेशा SLW सॉलिड लिक्विड दोनों की बात कर रहे हैं, तो जब सॉलिड की बात कर रहे हैं आपने देखा कि कितने पशु है, कितना गोबर निकल रहा है, उसके प्रबंधन का सोचा ही नहीं तो कैसे हो। तो आप हमारे सारे मैसेंजर हैं, आप फोन करिए इन चीजों पे, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, शशि से बात करिए, बच्चा सिंह से बात करिए, मुझसे बात करिए, एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा जो अमृत सरोवर बन रहे हैं तो अभी हम बात कर लेते हैं, प्रधान जी आप बैठे हैं, आप कार्तिक भी आ गए, मोहित भी आ गए, तो कार्तिक ऐसा है जैसे मान लीजिए विधायक निधि से वो वहाँ सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो अमृत सरोवर में उसकी कॉन्सेप्ट ही यही है, मेरी बात भी हुई है लखनऊ में भी कि मल्टीपल फंड यूज कर, तो ये नहीं है कि मनरेगा से आपने मिट्टी का कंपोनेंट कर लिया, विधायक निधि से आपने सीढ़ियां बनानी है तो बना सकते हैं, कोई कहीं रोक नहीं। दूसरी है एक कॉमन आइडिया है कि उसमें सब ऐड होता जाएगा कि कहां से कौन कौन सा फंड यूज किया है, फिर जनप्रतिनिधि या CSR मतलब किसी ने श्रद्धावश कि वहां मंदिर था चलो मैं इतना दान देता हूं तो वो भी एक कंपोनेंट है, उससे एक कंपोनेंट बना दिया। जन सहयोग से बताना है, सरकार कह रही है जन सहभागिता, वो जन सहभागिता से भी देंगे, अब ये बताओ कि पानी कौन देगा, पानी कहते हैं और उसका भी आप अगेन आर्किटेक्चर डिजाइन करवा लीजिए किसी से, विजन बना लीजिए किस तरह से मुझे उसकी सीढ़ी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक आजकल 3D पिक्चर्स बनती है सब लोग पास, इस तरह से कर सकते ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन करो उसमें ये कंपोनेंट डालो, हमारा ये था कि हमारा ये पूछना है कि इसके मतलब ये प्लान अब उसके लिए हम कहाँ से मनरेगा से मान लीजिए मिट्टी का काम हो गया या और 150 मीटर सीढ़ी 50 मीटर सीढ़ी हम हिम्मत करके अभी परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये हमारा पुखरा है, यहाँ दो जगह से ऐसे पानी आ रहा है, यहाँ पानी निकल रहा है, अब हमको यहाँ पे और इसके ये चारों तरफ हम ये चाह रहे हैं कि इसके चारों तरफ पेड़ लगे और इसमें बीच में बैठने के लिए बेंचेज लग जाए लाइट। देखो एक चीज है ये आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए सब मनरेगा से वहाँ गड्ढे अभी खुदवा लीजिए एकदम अच्छे से, आईडी जनरेट कर लीजिए पीड़े साहब बैठे, तो आपका एक कंपोनेंट हो गया, फिर उसके कार्ड कैसे लगाने हैं वो दिमाग लगाइए,